इस वीडियो में हम आपको इतिहास की एक ऐसी बहादुर महिला की कहानी बता रहे हैं जिसने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बहुत बहादुरी के साथ साथ दिया था। एक स्त्री जिसके हौसले और बहादुरी को इतिहास के दस्तावेजों में जगह नहीं मिली, आम लोगों ने उसे अपने दिलों में जगह दी। किस्से, कहानियाँ, उपन्यासों, कविताओं के जरिए पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रखा। सालों बाद उसकी कहानियाँ दबे कुचले हाशिए के समाज के लोगों की प्रेरणा बनी। तभी घोड़े पर सवार उनकी मूर्तियाँ आज कई शहरों में दिख जाती हैं। वही झलकारी बाई हैं। 1857 की पहली जंग आज़ादी का जिक्र आता है तो झांसी की रानी का जिक्र लाजमी तौर पर आता है। ऐसा कहा जाता है कि रानी झांसी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर झलकारी बाई भी अंग्रेज़ों से लड़ी थीं। अंग्रेज़ों के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास की किताबों में समाज के दबे कुचले वंचित समुदाय के लोग लगभग गायब हो गए हैं। रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो हम में से ज़्यादातर लोग अपने बचपन से ही जानते और सुनते आए हैं, लेकिन झलकारी बाई का नाम इतिहास की किताबों में नहीं मिलता। कहानी कुछ यूँ है। झांसी के साथ भोजला गांव है। उस गांव के लोगों का कहना है कि झलकारी बाई इसी गांव से थी। परिवार पेशे से बुनकर था। बहुत आम और गरीब परिवार की थी। ऐसे परिवारों के बच्चे बच्चियाँ जैसे पलते हैं, झलकारी बाई का जीवन भी वैसा ही था। ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के किले के सामने रहती थी। भोजला उसका गांव था और इसी गांव में पहाड़ों पर ये और जंगलों में जो लोग लकड़ियां इकट्ठा करते हैं, किले के दक्षिण में उन्नाव गेट है। झलकारी बाई के घराने के लोग वहीं रहते हैं। उस घराने के लोग आज भी हैं। अगर पता करेंगे तो झलकारी बाई के घराने के लोग भी ये इतिहास बताते हैं। कहते हैं, ये लड़ाई तो हम लोगों ने लड़ी। हम लोगों की यहाँ पूरी बस्ती है। हम लोगों का पूरा इतिहास है। झलकारी बाई हम लोगों के समाज की थी। सन 1857 की बात है। अंग्रेज महारानी लक्ष्मीबाई की बहादुरी को जान गए थे और उन्हें किसी भी हाल में पकड़ना चाहते थे। बात उन्हीं दिनों की है कि झलकारी बाई ने अपना श्रृंगार किया। बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहने, ठीक उसी तरह जैसे रानी लक्ष्मीबाई पहनती थीं। गले के लिए हार ना था, परंतु कांच की गुरियों का कंठ था, उसको गले में डाल लिया। प्रातःकाल के पहले ही हाथ मुंह धोकर तैयार हो गई। पौ फटते ही घोड़े पर बैठी और ऐंठ के साथ अंग्रेजों की छावनी की ओर चल दी। साथ में कोई हथियार ना लिया, चोली में केवल एक छुरी रख ली। थोड़ी दूर पर गोरों का पहरा मिला, टोकी गई। झलकारी ने टोकने के उत्तर में कहा, हम तुम्हारे जडेल के पास जाऊता है। यदि कोई हिंदुस्तानी इस भाषा को सुनता तो उसकी हंसी आए बिना नहीं रुकती। एक गोरा हिंदी के कुछ शब्द जानता था। बोला, कौन? तो झलकारी बाई ने कहा, रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झलकारी ने बड़ी हेकड़ी के साथ उत्तर दिया। गोरों ने उसको घेर लिया। उन लोगों ने आपस में तुरंत सलाह की, जनरल रोज के पास अविलंब ले जाना चाहिए। उसको घेर कर गोरे अपनी छावनी की ओर बढ़े। शहर भर के गोरों में हल्ला फैल गया कि रानी की झांसी की रानी पकड़ ली गई। गोरे सिपाही खुशी में पागल हो गए। उनसे बढ़कर पागल झलकारी थी। उनको विश्वास था, मेरी जांच पड़ताल और हत्या में जब तक अंग्रेज उलझेंगे तब तक रानी को उनका इतना समय मिल जाएगा, वे काफ़ी दूर निकल जाएंगी और बच जाएंगी।